तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी एलजी स्मार्ट टीवी के अंदर ब्राउज़र वाला इंस्टाग्राम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना वेब ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये वेब ब्राउज़र जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ से गूगल ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक सेकंड में थोड़ा इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, नीचे इंस्टाग्राम लॉगिन लिखा हुआ है। इस पर जब हम लोग क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है पहले नंबर पे जो वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पर, instagram.com अकाउंट लॉगिन। तो फ्रेंड्स, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये लोड हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए आ चुका है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस वगैरह डालकर नीचे पासवर्ड डाल के इसको आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग अपने एलजी स्मार्ट टीवी के ब्राउज़र से अपनी एलजी स्मार्ट टीवी पर इंस्टाग्राम को लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।